यादा का पिछा करने वाले मुस्तकबिल के रस्ते खुल जाते हैं। सरगी का तारा तेरे पिता प्यार सोनियो फिल्मों में सुल्तान राई साहब की मशूका ते सुल्तान राई साहब की भैन का रोल करने वाली एक अजिही अदाकारा की गलबात असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं कि जिहड़ी पहली दफ़ा तुसीं सुणोगे। उस अदाकारा ने 90 की दहाई में बड़ियां शानदार फिल्मों में काम किया, बतौर हीरोइन भी तो सपोर्टिंग रोल भी उन्होंने बड़े किए, निगार अवार्ड भी उन्होंने जीते। तो राई साहब दियां बड़ियां फिल्मों में उन्होंने बड़े बड़े शानदार रोल प्ले किए। वो दसांगे कि बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छड़ क्यों दिती, ठीक है, तो अजकल वो की कर रही ने। 92 उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छड़ दिती सी, एवं 2-4 साल ही उन्होंने फिल्मों में काम किया, कोई 30-35 फिल्म या नहीं 25-30 फिल्म उन्होंने जीडिया उन्होंने काम किया। तो दसांगे कि अजकल की कर रही तो कितने रह रही तो किस हाल में ने। लो फिर चैनल पर अगर नवे हो तो सबसक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करो। प्लीज पहलवान मैं समझा आ जाओ वरना जुल्म दे पौधे की उम्र ज्यादा नहीं होती। उस अदाकारा का नाँ है जी मुरज़ा शेख, जिन्हों का ये फिल्मी नाँ से उन्हों का जोड़ा असल उन्हों का ना जो मापिया ने रखिया वह सी शहनाज़ कयूम। तो ये जी तीन भैन सन, एक इन्हों का भरा, यह दाता की नगरी लाहौर दी रहन वाली सी। तो इन्हों फिल्मा वेखन का बहुत ज़्यादा शौक से बचपन में ही, ये शौक वध्या वध्या ऐसा वध्या कि मुड़ के इन्हों फिल्मा काम करने का शौक पैदा हो गया, लिहाजा ये फिल्म इंडस्ट्री आ गई। फिर तो उन्होंने पहली फिल्म जी बाबरा शरीफ साहिबा नाल सी मिस बैंकॉक, वो उन्होंने अदाकारी बहुत पसंद किया गया, जिथे अगे उन्होंने फिल्मा मिलनी है होर शुरू हो गई। 1999 एक फिल्म आई सी जिदे उन्होंने सुल्तान राई साहब की मशूका का रोल किया। उस फिल्म का नाँ सी जी दीवानी डिस्को दी, जिदे इस्माइल शाह भी सन। इस्माइल शाह तो इन्हों की जोड़ी असल च बनाई गई सी मुरज़ा शेख की, पर ये सुल्तान राई साहब न इस वास्ते लिया गया, हालांकि इस फिल्म जी है ना एक डांस ते समझो क्लबा वाले डांस ते घूमती फिल्म है, जिन्हों के एक डांस का बहुत ज़्यादा शौक होंगे उस कुड़ी नू। इहदे विच क्योंकि वो कुड़ी भी डांसर, इस्माइल शाह भी डांसर, हुण इस फिल्म में सुल्तान राई साहब का की तुक बनता सी, एक डांसिंग फिल्म में की तुक बनता सी, वो जनाब वाले भारियां मुछां वाले ते वो गंडासे ये वो सारा कुछ। लेकिन राई साहब नू पाया गया, क्यों पाया गया वाला, क्योंकि उस वेले वो दहाई ऐसिया को दो दहाइया सन तीन के जिदे सुल्तान राई अगर फिल्म च नहीं हों फिल्म ही कोई नहीं खरीदता, फिल्म वेचनी होए छोटे छोटे अदाकार बेशक पा लवो, सिर्फ सुल्तान राई छोटे जिन्हें एक सीन भावें पा लवो, पोस्टर से राई साहब की फोटो होनी चाहिए, फिल्म हथों हथ वेक जाती होंगी सी ते चल भी जाती। इस वास्ते इस फिल्म में सुल्तान राई साहब नू पाया गया। वो कुड़ी जी है ना वो प्यार वैसे तो करती है इस्माइल शाह नाल, लेकिन ये जरा सुल्तान रही ये बने विखाया करैक्टर ये कुड़ी ना इश्क करता, बड़ी शानदार फिल्म है भी यूट्यूब पर पई है वेखन वाली, इन्हों का किरदार बहुत आला ये। तो फिर 1991 आ गई फिल्म शेर दिल, ये भी सुल्तान राई साहब की, ये इन्होंने सुल्तान राई साहब की भैन का रोल किया, बहुत खूबसूरत रोल है, सपोर्टिंग रोल बड़ा शानदार किया कि इन्हों इस फिल्म के सपोर्टिंग रोल वास्ते इन्हों निगार अवार्ड मिले। होर जिहड़ियां इन्हां दियां शानदार फिल्मां ने उन्हां विचों सियासत, आलमी जासूस, चट्टान, फिर आन सुल्तान राई साहब दी, फिर शोले शोले सुल्तान राई साहब दी, फिर जंगबाज सुल्तान राई साहब दी, फिर जी सुल्तान राई साहब नाली शेरा पांडी फिल्म च इन्हां ने बहुत सोहना काम किया, फिर जिद, काला पानी, फिर ट्रैफिक जाम, फिर काली फिल्म बड़ी आला इन्हां दी, फिर जी सुल्तान राई साहब नाली बिल्लू बादशाह फिल्म इन्हां दी वेखण वाली है। तो मुरज़ा शेख साहिबा की आखिरी जिहड़ी फिल्म है लास्ट मूवी वो जी 1992 की जिहदा नाम रुका, तो 92 में इन्होंने फिल्मी दुनिया नूं खैरबाज कह दिता। वो क्यों वाला, क्योंकि उन्होंने विआह कर लिया सी, अपना घर वसा लिया, तो इंडस्ट्री जिहड़ी है ना उहदे शौहर ने कहा छड़ दे, लिहाजा ने छड़ दित्ती, लेकिन बदकिस्मती नाल ये विआह जिहड़ा चल ना सकिया ते तलाक हो गई। फिर इन्होंने जिहड़ा ना इंडस्ट्री विच दोबारा नहीं आईआं, कई वारी ऐसा हुंदा है ना क्योंकि अदाकारा छड़ गई, प्रेशर पाया शौहर ने छड़ दी इंडस्ट्री, लेकिन वो टुट गई शादी, तो इंडस्ट्री फिर वापस आ गई निज़ाम चलाने ले। लेकिन वो उन्होंने दोबारा इंडस्ट्री वाल मूँह ही नहीं किया। फिर 1998 का साल आया, उन्होंने फिर शादी कर ली एक बिजनेसमैन अपना इब्राहिम खान साहब नाल, वो शादी उन्होंने चल रही है, बहुत हसी खुशी जिंदगी गुजार रही ने लाहौर में।
तो यह भी आख्या जाता है जी कि मुर्तज़ा शेख साहिबा बिल्कुल पिछली लाइन में छड़ गई ने, भुलना चाहदिया ने, अल्लाह तौबा कर दियां, नमाज रोजे दियां पाबंद ने ते परदा कर दियां ने। तो अल्लाह पाक अगे दुआ करांगे कि अल्लाह पाक उन्होंने पिछले जो भी कमियां कुताइयां अल्लाह की जात माफ़ फरमाए तो उन्होंने इस्तकामत दे कि दोबारा वाकई फिल्म इंडस्ट्री वाले पासे ना अपना घर जिहड़ा ना वो घरस्थी जिहड़ी घर घरस्थी सांभण। तो अल्लाह पाक उन्होंने अपनी रहमत करे जी, दियो इजाजत किसी होर वीडियो नाल तुहाडे नाल मुलाकात करने। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह बे।